नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हैं संगीता जी। कृपया 2 मिनट दे दीजिए, आपके 2 मिनट इनको बहुत काम में आने वाले हैं। दोस्तों, आप इनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, और बिल्कुल फ्री में मदद कर सकते हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। दोस्तों, इन्होंने इनकी परेशानी जो है लेकर हमारे पास आई थी और ये आई है हमारे पास और हम सबकी मदद चाहती है ये। तो दोस्तों देखते हैं कि संगीता जी क्या कहती हैं। दोस्तों, मैं हूँ संगीता, बड़ी दुविधा में फंस गई हूँ। मेरा खुशहाल परिवार था, पर एक महीने पहले हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसमें मेरे पति और मेरे ससुर भी थे, शुक्र है कि हमारे बच्चे नहीं थे। गाड़ी का तो नुकसान हुआ ही और हम सबको काफ़ी चोट भी आई। अभी मैं ठीक हूँ, पर मेरे पति अभी भी ICU में ही हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है, अभी हॉस्पिटल का भी खर्चा हो गया है। वो ICU में होने के कारण मैं उनसे कुछ बातचीत भी नहीं कर पा रही हूँ और इंश्योरेंस के बारे में किसी और को उनके सिवा मालूम भी नहीं है। तो दोस्तों, इनकी समस्या है कि इस स्थिति में क्या कोई ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे चेक करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। किसी भी प्रकार से कोई बता सकता है कि ये किस प्रकार से चेक किया जाता है। मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानती हूँ। तो दोस्तों, संगीता जी को बताया है हमने कि हमारे भारत देश में इंजन से चलने वाली हर गाड़ी का बीमा कराना अनिवार्य है। बीमा ना हो तो जुर्माना और जेल भी हो सकती है। जरूरी है कि महत्वपूर्ण आर्थिक विवरणों की जानकारी आपको भी हो, ना सिर्फ पति को, महिलाओं को भी जरूर जानकारी इसकी होनी चाहिए दोस्तों। और संगीता जी, आप किसी भी गाड़ी का जो बीमा है इंश्योरेंस, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से चेक कर सकती हैं। और इनको हमने कुछ ऑप्शंस बताए हुए हैं, वाहन पोर्टल की मदद से वो चेक कर सकते हैं। भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने वाहन पोर्टल जारी किया है और इसकी मदद से किसी भी वाहन के इंश्योरेंस की अंतिम तारीख जान सकते हैं। दूसरा है IIB पोर्टल, इसकी मदद से भी वो इंश्योरेंस के बारे में डिटेल्स देख सकती हैं। पर इसमें इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो IIB पर सिर्फ 1 अप्रैल 2010 के बाद के रजिस्टर हुए वाहनों का ही रिकॉर्ड मिलता है, उसके पहले का नहीं। और साथ ही में यहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दी है। दोस्तों, एक और ऐप है एम परिवहन, ये मोबाइल पर चलता है और यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर से संबंधित कई तरह की सुविधाएं ऑनलाइन मिल जाती है। और जिस भी कंपनी से बीमा लिया है उसके पास भी इंश्योरेंस के डिटेल्स रहते हैं। आप उनके कस्टमर को केयर को कॉल कर सकते हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनी को विजिट, जो ऑफिस है उसको भी विजिट करके आप ये जानकारी प्राप्त कर सकती है। अगला ऑप्शन है RTO ऑफिस की हेल्प से। दोस्तों, RTO ऑफिस में आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन जिस भी RTO ऑफिस में हुआ है वहाँ से भी आपको इंश्योरेंस संबंधी जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, ये हमने संगीता जी को सलाह दी है। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ जानकारी है तो ज़रूर इनको सलाह दे दोस्तों, इनको बता दे ताकि इनकी हेल्प हो जाए, मदद हो जाए। दोस्तों, काफ़ी आर्थिक परेशानी से अभी जूझ रही हैं और सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी खर्चा हो गया है। पति अभी ICU में है और उनकी कोई गारंटी भी नहीं ली है, तो अभी इन्हीं को पैसों का इंतज़ाम करना पड़ रहा है। तो कोई अगर जानकारी है या फिर इसमें कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर आकर ज़रूर दे दीजिए। वेबसाइट आपको यहाँ पर दिख रही है दोस्तों, लिंक दी हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। और हाँ, आपको भी कुछ समस्या है, परेशानी है तो हमसे पूछ सकते हैं और हमारे